नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। राम 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 राम। आज राजस्थान का त्योहार पार्ट सेकंड पढ़ाना। कल पार्ट फर्स्ट पढ़े हो, वो वीडियो देखकर कई बच्चों को फोन भी आया, बोले गुरुजी दूसरों भी डाल दो। बोले दूसरों डालो, हम टाइम लगे, आज डाल रहे हैं दूसरों, आज देख लीजियो। और आप त्योहार के बारे 100% कोई क्वेश्चन बारे को नहीं आवा, सब हम आ जाए। और आज मैंने पढ़ाना कार्तिक महीनो, जब कार्तिक बोले अगर लुगाया कार्ती ना हो ना, सुबह जल्दी उठ, 4 बजे नया करे कार्ती, वो पढ़ रहे हैं आज है? कार्तिक माह है। कार्तिक माह है, महीनो कौन सा है? कार्तिक महीनो है। और कार्तिक महीनो में पहला त्योहार कौन सा है? करवा चौथ। लुगाया ने भी याद है, छोरिया ने भी याद है, छोरा ने भी याद है, सह ने याद है। और मैं कह रहे हूं करवा चौथ जिंदगी में मन भूलो, वही मन भूलो दे दो करवा चौथ। ये दिन क्या है? आदमी की वैल्यू बहुत रहे करवा चौथ। अब करवा चौथ में देखो क्या आ रही है पहली चौथ, मैंने कौन सा है? कार्तिक। कार्तिक में भी क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? तो मैंने कौन सा होगा? कार्तिक। मैंने कौन सा हो रहा है? कार्तिक होगो। कृष्ण पक्ष हो गए को नहीं हो गए? कृष्ण पक्ष हो गए, ओ कृष्ण पक्ष होगो। और चौथ तो चौथ नहीं ऐसी लो करवा चौथ मतलब के लॉजिक वेट बना आप लो। करवा चौथ में कार्तिक महीनो कृष्ण पक्ष और चौथ में करवा चौथ आवे। मैं एक दिन कोई जानकार भाभी जी वन पूछ लियो, बोले भाभी जी थे करवा चौथ को व्रत क्या करो? भाभी जी उत्तर दियो भारी। भाभी जी बोलिया मैं ही इसलिए करवा चौथ को व्रत करूं कि मैंने बार बार वही पति मिले सातों जन्म में। मैं बोले भाभी जी आदमी तो यह पहुंचा हुआ कि सातों जन्म में आई लुगाई मिले मैंने। चलो करवा चौथ दूसरा त्योहार, करवा चौथ के बाद में क्या हुआ? करवा चौथ के बाद में दूसरा त्योहार हुआ धनतेरस। किशोर है धनतेरस, धनतेरस महीनो किशोर है कार्तिक महीनो आवे, किस महीना में आवे? कार्तिक महीना में आवे। पक्ष कौन सा आवर है? कृष्ण पक्ष आवे। कौन सा पक्ष आवर है? कृष्ण पक्ष आवे। और तेरस है तो तेरस कद आओगी? तेरस नहीं आओगी, तेरस कोई अमावस ना बनी आवे, ठीक है धनतेरस। अब आगे तीसरा नंबर को जो त्योहार पढ़ाना वो है रूप चतुर। रूप चतुर मित्रों, रूप चतुर, रूप चतुर, अरे चतुर चाला ये मत। अभी कद आवे? कार्तिक महीना में। कद आवे रे? कार्तिक महीना में। कौन सा पक्ष में आवे? कौन सा पक्ष में आवे? कृष्ण पक्ष में आवे। कौन सा पक्ष में आवे? कृष्ण पक्ष में आवे। चतुर मतलब 14, तो 14 एलियो साय कार्तिक महीना में हो। अब देखो कार्तिक महीना में होली आवे, दीपावली फागण में होली आवे, तो दीपावली कद आवे? कार्तिक में आवे। कार्तिक में आवे ना कार्तिक महीना में, तो आपा ने लिखाना दीपावली, दीपावली। और कौन सा महीना में आवे रे? कार्तिक महीना में आवे। किस महीना में आवे? कार्तिक महीना में आवे। कौन सा पक्ष में आवे? अरे पक्ष शुक्ल पक्ष कर्षण पक्ष में बनी आवे। अमावस ना आवे, कद आवे? अमावस ना आवे। और अमावस ना आवे तो क्या होगा? कार्तिक अमावस्या, कार्तिक अमावस्या, कार्तिक अमावस्या। तो देखो दोस्तों दीपावली कब मनाई जाए? कार्तिक अमावस्या को मनाई जाए। पाछा देख लो एक बार करवा चौथ, वो तो कौन बोलो भाई, कौन बोलो चाहे कितनी बार बोल दो मैं, कार्तिक महीना में कृष्ण पक्ष में चौथ में करवा चौथ मनाई जाए। आजकल क्या है लुगाई में ज्यादा आदमी जान रखा लगा करवा चौथ का दावा है। धनतेरस, धनतेरस है कार्तिक कृष्ण तेरस में धनतेरस मनाई जाए। जैसे कि नया बर्तन खरीदा वो चांदी चूंदी को सामान खरीदा वो धनतेरस। रूप चतुर, रूप चतुर आवे कार्तिक कृष्ण चौदस में, दीपावली आवे कार्तिक अमावस्या में। अब देखो तीन तो कृष्ण पक्ष का आएगा, कार्तिक महीना आएगा, एक त्रिकोण एक कार्तिक महीना का त्योहार आपके होगा। अब देखो आगे और लिखूंगा कार्तिक महीना का और त्योहार है वे भी पढ़ाऊंगा।
अब देखो दीपावली के दूसरे दिन का क्या आवे? गोवर्धन आवे। अरे क्या आवे? गोवर्धन आवे, गोवर्धन आवे। कद आवे? कार्तिक महीना में आवे। कद आवे? कार्तिक महीना में आवे। कौन सा पक्ष में आवे? पहली कृष्ण पक्ष में आ रही ही, पहली कृष्ण पक्ष में आ रही ही। तो अब क्या आओगी? शुक्ल पक्ष में। और शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष, अरे गोवर्धन दीपावली का दूसरा दिन मनाया जाए ना, घर के बारे में गोबर रखकर भी को पूजा करी जाए, दिए वगैरह जलाए जाए, है ना, बा गोवर्धन। और बात कब मनाया जाए? गोवर्धन कार्तिक शुक्ल एकम में मनाया जाए। अब देखो गोवर्धन के बाद दूसरे दिन क्या आवे? अरे दूसरे दिन क्या आवे? भैया दूज। क्या आवे? भैया दूज। और भैया दूज भी कद आवे? कार्तिक महीना में आवे। कद आवे रे? कार्तिक महीना में आवे। मित्रों ध्यान रखो, ध्यान रखो, कार्तिक महीना में भैया दूज आवे। और पक्ष कौन सा में आवे? शुक्ल पक्ष में आवे। कौन सा पक्ष में आवे? शुक्ल पक्ष में। अरे दूज तो दूज नहीं आवेगी ना, दूज तो दूज नहीं आवेगी भैया दूज, कार्तिक शुक्ल दूज। फिर बाद में आप बात करेगा तो बीते बाद में आपका क्या होगा? भैया दूज आएगी कार्तिक शुक्ल दूज में, बाद में होगी ढोल छठे। क्या होगी? ढोल छठे। इन्हें वेरी इंपोर्टेंट लगा लीजिए, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। ढोल छठे, ढोल छठ का दावर है कार्तिक महीना में आवे। कद आवे? कार्तिक महीना में आवे। पक्ष कौन सा आवे? शुक्ल पक्ष आवे। तिथि क्या आवे? छठ आवे। ए लो सा आपांगे कार्तिक भी ना लिया, आपा भी ना लिया कार्तिक, ए त्योहार आपांगे कार्तिक महीने के है। चलो देखो कौन सो महीना आवे? माघ महीना आवे ना रे, माघ माह है, माघ माह है। इमें दो ही त्योहार मनाए जाए, इमें के दो ही त्योहार मनाए जाए, बसंत पंचमी और मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, बसंत पंचमी, बसंत पंचमी, मौनी अमावस्या, मौनी अमावस्या, मौनी अमावस्या, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, मौनी अमावस्या। ये दोनों कौन से महीने में पढ़ाई जाए, मनाई जाए रे? माघ माह में मनाई जाए, माघ माह में मनाई जाए। देखो माघ माह है तो अमावस्या तो माघ में आवे, और कद आवे? अमावस नहीं आवे। कद आवे? अमावस्या नहीं आवे, समझ गा? अमावस्या नहीं आवे। बसंत पंचमी कद आवे? बसंत पंचमी शुक्ल में आवे। कैसे में आवे? शुक्ल पक्ष में। तो माघ माह है, मैनो किसो हो रहे? माघ माह है। पक्ष कौन सो होगो? शुक्ल होगो। कौन सो होगो? शुक्ल होगो। और तिथि क्या होगी? पंचमी होगी। जगह दिन आप सरस्वती की पूजा करा है, स्कूलों में भी कराना, बा बसंत पंचमी शुरू से मनाता आ रहा हाँ आप। चलो ये माघ महीना का होगा। अब देखो आप देखना फागण, फागुन, फाल्गुन, फाल्गुन, मैनो किशोर है, फाल्गुन माह है। मैनो किशोर फाल्गुन, फागुन में कहीं आवे? होली आवे। कहीं आवे? होली आवे। तो बात करेंगे फाल्गुन माह है, और फाल्गुन माह में पहला त्योहार क्या हुआ? शिवरात्रि। क्या हुआ? शिवरात्रि, शिवरात्रि आवे। दूजी क्या आवे? होली। दूजी क्या आवे? होली। अरे शिवरात्रि आवे बनी आवे, शिव जी की पूजा करी जाए, हैं शिव जी की पूजा करी जाए शिवरात्रि। फिर बाद में क्या आवे? फुलरा दूज, फुलरा दूज, फुलरा दूज आवे ना, बहुत साव आवे, बहुत ब्याह हुआ जिनके दिन है फुलरा दूज। अब देखो शिवरात्रि का दावे फागुन कर्षण तेरस को, फागुन कर्षण तेरस,
आलबुन करसन तेरस, करसन तेरस न के मनाई जाए, शिवरात्रि मनाई जाए। अब देखो और होली कब मनाई जाए, पूर्णिमा ने, कब मनाई जाए पूर्णिमा ने, तो फाल्गुन पूर्णिमा। अरे दीपावली कब मनाई जाए, अमावस्या न मनाई जाए, और अगत मनाई जाए पूर्णिमा ने मनाई जाए। फुलरिया दूज को सावो बड़ो हुए ना, बड़ो सावो हुए, और फुलरिया दूज कब मनाई जाए, फाल्गुन शुक्ल दूज, फाल्गुन शुक्ल दूज, ठीक है। शिवरात्रि फाल्गुन कर्षण तेरस, होली फाल्गुन पूर्णिमा, और फुलव्या दूज फाल्गुन शुक्ल दूज, ए त्योहार आपने फागुन महीना में मनाया जाए। अब देखो आगे चेत, चेत में नवरात्र आवे ना, नवरात्र दो बार आवे, एक आश्विन नवरात्रे, एक चैत्र नवरात्रे, आश्विन आशोज के नवरात्रा और चेत का नवरात्रा, दो प्रकार का नवरात्रा अपन मनाया जा मनावा। चलो महीना किसे है, महीनों किसे है, महीनों चेत है, और चेत में क्या मनाया जाए, देखो फागुन में आपने क्या मना ली, होली मना ली, और होली का दूसरा दिन ही महीनों चेत हो जाए करे ना, तो देखो तो धुलंडी आवेगी, दूसरे दिन क्या आवेगी, धुलंडी, धुलंडी, धुलंडी कद आवे चैत्र में, कद आवे चैत्र, शुक्ल, शुक्ल पक्ष कौन सा है, शुक्ल पक्ष कौन सा है, शुक्ल, और तिथि के एक है, के एक है, और एकम में कहीं बोला आपा प्रतिपदा, प्रतिपदा, प्रतिपदा एकम ने कह, देखो गुरुजी एकम तो आई कौन है, मैं धुलंडी कल करवाता, अरे धुलंडी एकम ने के बोला पा प्रतिपदा बोला, तो याद रखियो एकम ने के बोला प्रतिपदा बोला, ठीक है। दो नंबर धुलंडी के बाद में दूसरों कहीं आवे, धुलंडी के बाद में जो दूसरा आवे वह आवे शीतला अष्टमी, शीतला अष्टमी, शीतला अष्टमी, शीतला अष्टमी के बाद में क्या हुए दुर्गा अष्टमी, क्या हुए दुर्गा अष्टमी, दुर्गा अष्टमी के बाद में क्या हुए रामनवमी, दुर्गा अष्टमी, दुर्गा अष्टमी, और बाद में क्या हुए रामनवमी आवे न रे, आवे गुरुजी आवे, आवे तो बेटा पेपर में भी आवे, पेपर में भी आवे। शीतलाष्टमी, शीतलाष्टमी कब मनाई जाए, अरे धुलंडी जो मनाई जाए वह शुक्ल पक्ष में नहीं कृष्ण पक्ष में मनाई जाए, कौन सा पक्ष में मनाई जाए कृष्ण पक्ष में मनाई जाए, कौन सा पक्ष में मनाई जाए कृष्ण पक्ष में, कब मनाई जाए कृष्ण पक्ष में मनाई जाए, धुलंडी कब मनाई जाए चैत्र कृष्ण एकम ने प्रतिपदा ने। देखो शीतला अष्टमी, शीतला अष्टमी, शीतला अष्टमी कब मनाई जाए चैत्र कर्षण अष्टमी, चैत्र कर्षण अष्टमी, चैत्र कर्षण अष्टमी, और देखो दुर्गा अष्टमी कब मनाई जाए, अरे दुर्गा अष्टमी कब मनाई जाए चैत्र शुक्ल अष्टमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी, चैत्र शुक्ल दुर्गा अष्टमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी, दुर्गा नौ सॉरी रामनवमी, रामनवमी कब मनाई जाए चैत्र शुक्ल नवमी, चैत्र शुक्ल नवमी, चैत्र शुक्ल नवमी में क्या मनाया जाए रामनवमी। देखो ए आपा गए त्योहार चैत्र महीना का, वापस देख लीजिए एक बार पाछा, देखो धुलंडी चैत्र कर्षण प्रतिपदा ने, शीतला अष्टमी चैत्र कर्षण अष्टमी ने, दुर्गा अष्टमी चैत्र शुक्ल अष्टमी ने, राम नवमी चैत्र शुक्ल नवमी ने, दो कर्षण का दो शुक्ल का, और इनमें भी आगे हनुमान जयंती भी इनमें ही आवे, इन महीना में ही आवे है। आप आगे आगे मैंने पूछे है पौष में माह है, मैंने पूछे है
पोस पोस बड़ा बहुत खावो ना शहरा में गांव में बहुत पोस बड़ा को आयोजन करे फलाने सिंगे ने पोस बड़े का आयोजन किया है हैं वो पोस बड़ा वो पोस को मैनो यो पानी आएगो के मुंडा में पोस बड़ा को नाम लेता है पोस माह है किशो मैनो रे पोस माह है पोस माह है में दो मनाई जाए एक तो लोहड़ी के मनाई जा रहे लोहड़ी लोहड़ी दूसरी मकर संक्रांति दूसरी के मकर संक्रांति मकर संक्रांति को नाम सुनो लो मनावा भी हाँ बहुत पतंग उड़ावा है ना मकर संक्रांति कौन सो महीनो रे पोष तो दुनिया में लिख दिया पोष अरे कौन सो महीनो पोष महीनो मैनो पूछो पोस अब दुलंडी कब मनाई जाए दुलंडी कब मनाई जाए दुलंडी मनाई जाए है शुक्ल पक्ष में और कदे चौदस में शुक्ल पक्ष में और चौदस में आ आवे 14 जनवरी 14 जनवरी ना आवे ना रे चलो इस प्रकार आपां ने ए महीना का त्योहार पूरा आपां कर लिया हां लेकिन आ महीना का त्योहार ना पाछे कई बार प्रश्न आएगा कई प्रश्न है जगह बहुत बार पूछ लिया जाए करे पहले तो बहुत आता है एग्जाम में आजकल के बीएसटीसी बीएड में तो एक प्रश्न आवे है पीटीटी और बीएसटीसी वाला जो पेपर है ना वहां में देख लीजिए उधार ए 8-10 प्रश्न है आमो जरूर एक प्रश्न आ जाए दो प्रश्न आ जाए हर बार आवे है तो देख लीजो ए प्रश्न बहुत जरूरी है राजस्थान पुलिस वाला भी ध्यान दे लीजो अब देखो एक बार के प्रश्न आए वो त्योहारों की नगरी अब त्योहारों की नगरी जयपुर में क्यों जाए लेकिन एक बार एक पेपर में इंग्लिश में आए वो फेस्टिवल सिटी बोले गुरुजी वो तो बतायो को नहीं फिर बतायो हो लेकिन वो इंग्लिश में नाम आए वो तो क्या है कई बार यहां पूछ ले एक बार चिंकारा को नाम वैज्ञानिक नाम पूछ लियो गजेला गजेला वो भी टावरा बेरोई बने बोले सर मांग तो फिरगी अरे फिरगी के फिरगी प्रश्न थोड़ा ध्यान दिया करो भाई इंग्लिश में भी के है इन्हें है ना तो चलो पहलो है सबसे प्रसिद्ध तीज सबसे प्रसिद्ध तीज कटे की है सबसे प्रसिद्ध तीज जयपुर की कटे की है जयपुर जयपुर कटे की है जयपुर की और सबसे छोटी तीज कटे की है अब भी कटे की है सबसे छोटी तीज सबसे छोटी तीज कटे की है जयपुर की बूटी तीज सातुली तीज कजली तीज ए तीजा का नाम है तीज भी के कई प्रकार के हुए तो देखो तीसरा प्रश्न है कजली तीज कजली बूटी सातुली ए तीज का नाम है ए कटे की प्रसिद्ध है अरे ए कटे की है बूंदी की कटे की है बूंदी की ए तीज कटे की है बूंदी की प्रसिद्ध है तीज भी तीन होगी सबसे प्रसिद्ध जयपुर की है सबसे छोटी कटे की है जयपुर की सबसे छोटी तीज जयपुर की कजली तीज बूंदी तीज सातुली तीज कटे की है बूंदी की अब देखो बिना ईश्वर की गणगौर बिना ईश्वर की गणगौर बिना ईश्वर की गणगौर आ कटे की प्रसिद्ध है अब बिना ईश्वर की गणगौर जैसलमेर की प्रसिद्ध है कटे की प्रसिद्ध है जैसलमेर की कटे की प्रसिद्ध है मोटेरो जैसलमेर की बिना ईश्वर की गणगौर ईश्वर और ईश्वर गणगौर मतलब यहां बिना ईश्वर की गणगौर मनाई जाती है और गणगौर के दिन किनकी पूजा होती है शिव पार्वती की शिव पार्वती की पूजा होवे अब प्रसिद्ध गणगौर फिर गुरुजी मांग ही है प्रसिद्ध गणगौर है प्रसिद्ध गणगौर
प्रसिद्ध गणगौर भी कटिया की प्रसिद्ध है, जयपुर की कटिया की रहे हैं, जयपुर की कई बड़ा कहते हैं जयपुर की क्या है, जयपुर में भोग मनाया जाए और गणगौर पर सवारी भी निकाली जाए ना, प्रसिद्ध गणगौर, प्रसिद्ध गणगौर जयपुर की। फिर देखो धींगा गणगौर, गुलाबी गणगौर, धींगा गणगौर, धींगा गणगौर, फिर है गुलाबी गणगौर, राजस्थान पुलिस पटवारी पीटीटी बीएसटी सब ध्यान दे लीजिए, आपको प्रश्न आ जाए बहुत बार आ जाए। धींगा गणगौर कटिया की है, उदयपुर और जोधपुर की कर दो, एलियो उदयपुर जोधपुर, धींगा गणगौर कटिया की है उदयपुर और जोधपुर की, और गुलाबी गणगौर कटिया की है नाथ द्वारा, नाथ द्वारा, नाथ द्वारा कटे है राजसमंद, कटे है राजसमंद, नाथ द्वारा कटे है राजसमंद, गुलाबी गणगौर, गुलाबी गणगौर, गुलाबी गणगौर कटे की है नाथ द्वारा की। देखो एक बार देखो गुलाबी गणगौर, गुलाबी गणगौर कटेगी प्रसिद्ध है नाथ द्वारा की, कटेगी अरे नाथ द्वारा, कटेगी है नाथ द्वारा, सबसे प्रसिद्ध तीज जयपुर की, सबसे छोटी तीज जयपुर की, कतली तीज, बूटी तीज, सातोली तीज, बूंदी की, बिना इसर की गणगौर जैसलमेर, पर सबसे प्रसिद्ध गणगौर जयपुर की, धींगा गणगौर, धींगा गणगौर उदयपुर और जोधपुर की, और गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा की, नाथ द्वारा कटे है राजसमंद, कटे रहे राजसमंद, वो है ना गुलाबी जो आंखें मैंने तुझे देखी हैं, वो गाना तो ठंड से नहीं याद है, और गुलाबी गणगौर देखा ना तो बड़े गाऊंगा अपा नाथ द्वारा में। चलो अब देखो और प्रश्न है, त्योहारों की नगरी, त्योहारों की नगरी इनमें भी क्या होगा जयपुर, फेस्टिवल सिटी, त्योहारों की नगरी, फेस्टिवल सिटी, त्योहारों की नगरी। अब देखो आगे प्रश्न है, त्योहारों की नगरी सबको ज्यादा त्योहार कटे मनाया जाए जयपुर में, कटे मनाया जा रहे जयपुर में, सबसे प्रसिद्ध सबसे ज्यादा त्योहार कटे मनाया जाए जयपुर में, सबसे रंगीला त्योहार, सबसे रंगीला त्योहार, सबसे रंगीला त्योहार, सबसे रंगीलो त्योहार, सबसे रंगीला, सबसे रंगीला त्योहार कौन सा है होली, टल्ला लगाओ ना जनी, सबसे रंगीला त्योहार होली, सबसे रंगीला त्योहार क्या है होली है। तो देखो होली भी कई प्रकार की है, होली भी कई प्रकार की है, पत्थर मार होली, पत्थर मार होली, पत्थर मार होली, पत्थर मार होली कटाई की है, पत्थर मार होली है बाड़मेर की, कटाई की है बाड़मेर की, कटाई की है बाड़मेर की, पत्थर मार होली कटाई की है बाड़मेर की। अब होली के भी कई प्रकार है, अरे होली भी कई तरह की खेली जाए, देवर भाभी होली, गोबर के कंडों की होली, अंगारों की होली, कई प्रकार की होलियां खेली जाए अपन राजस्थान में। तो अपन के पत्थर मार होली कटे गेला बाड़मेर में, कटे गेला बाड़मेर में। फिर आगे आवे कोडा मार, ये आवे कोडा मार होली, कोडा मार होली, कोडा मार होली। अब कोडा मार होली कटे चली जाए, कोडा मार होली खेली जाए, कोडा मार होली खेली जाए बिनाय अजमेर, कटे खेली जाए बिनाय अजमेर में, बिनाय अजमेर, बिनाय कटे है अजमेर में, कोडा मार खेले ठीक है। फिर आ गए लठ मार होली,
कौन सी है? लठमार होली। अरे लठमार है, लठमार होली, लठमार होली। और लठमार होली कटे के लिए जाए महावीर जी को मंदिर, कटे है करौली महावीर जी, महावीर जी, महावीर जी कटे करौली में, कटे करौली में, कटे करौली में, महावीर जी करौली। अब कौन सी होली होगी रे? कोडामार होली हुई बिनाई अजमेर में, लठमार होली कटे होगी महावीर जी करौली में। अब देखो देवर भाभी होली, देवर भाभी होली खेलो ना कहीं, बहुत सारे खेल है देवर भाभी होली। ना ना जगह बता दूंगा ताने कटे खेली जाए, बात चार पूछा जो मैं खेली जाए देवर भाभी होली। और देवर भाभी होली कटे खेली जाए है, देवर भाभी होली खेली जाए है ब्यावर अजमेर, ब्यावर अजमेर, ब्यावर अजमेर, ब्यावर अजमेर, ब्यावर अजमेर, अजमेर, देवर भाभी होली ब्यावर अजमेर में खेली जाए। ठीक है, अब देखो आगे बादशाह होली, बादशाह होली कौन सी होली रहे? बादशाह होली। अब देखो आगे बादशाह होली, बादशाह होली नाथ द्वारा राजसमंद, नाथ द्वारा राजसमंद, बादशाह होली, बादशाह होली, बादशाह होली। आगे खेली जाए रहे नाथ द्वारा, नाथ द्वारा, नाथ द्वारा राजसमंद, राजसमंद, नाथ द्वारा राजसमंद। इमा के खेली जाए बादशाह होली। कह रहे डेगची मार बाल्टी मार होली, डेगची मार, डेगची मार बाल्टी मार, डेगची मार बाल्टी मार होली कटे खेली जाए रहे बीकानेर में, कटे खेली जाए बीकानेर में, बीकानेर में। अब देखो होलियां अपनी लगभग पूरी होगाने चाली, तो डेगची मार बाल्टी मार होली कई बार प्रश्न पूछ ले है, तो कटे खेली जाए बीकानेर में खेली जाए। अब देखो अंगारों की होली, 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 अंगारों की होली कटे बनाई जाए है केकड़ी अजमेर, केकड़ी अजमेर, केकड़ी अजमेर, अंगारों की होली, अंगारों की होली, केकड़ी अजमेर, उनिया उनियारा, केकड़ी अजमेर। फिर लाल सोट डोसा, लाल सोट डोसा, लाल सोट, लाल सोट, लाल सोट कहा है डोसा, डोसा में। अच्छा ये बनाई जाए केकड़ी अजमेर में और लाल सोट डोसा में मनाई जाए अंगारों की होली, अंगारों की होली। अब 10 नंबर जो होली है बापा देखना, तो गोबर के कंडों की होली, गोबर के कंडों की होली, ये कहां? गलियाई कोट, गोबर के कंडों की होली, गोबर के कंडों की होली। अब देखो आप मांगे के गोबर के सुखेड़ा जो कंडा हुए बांध की भी होली खेली जाए, बा कटे खेली जाए, बा डूंगरपुर में खेली जाए, कटे खेली जाए डूंगरपुर में, गलिया कोट, गलिया कोट, गलिया कोट, और गलिया कोट कटे है डूंगरपुर में, गलिया कोट कटे है डूंगरपुर में, गलिया कोट डूंगरपुर। अब देखो अति प्रकार की होली आपने राजस्थान में मनाई जाए, ऐ थाने कई बार पूछ ले प्रश्न, देवर भाभी होली कटे खेली जाए, गोबर के कंडों की होली कटे खेली जाए, अंगारों की होली कटे खेली जाए, डेगची बाल्टी, डेगची और बाल्टी होली कहां खेली जाती है? बीकानेर में, बादशाह होली कटे खेली जाए नाथ द्वारा राजसमंद में। इस प्रकार आपका राजस्थान का प्रमुख त्योहार और बांगा जो संबंधित जो प्रश्न बन रहा वह आप आज कर लिया। हाँ कल ई कोरोना क्लास में दूसरा टॉपिक आप चालू करेगा, तो आप बने रहो कोरोना क्लास में। ठीक है, हम प्रश्न जरूर आओगो, आओगो, आओगो।